बिहार थाना पुलिस ने सिरसौ थाना क्षेत्र से नाबालिग को बरामद किया। पुलिस ने आरोपी पर दुष्कर्म और विभिन्न धाराओं में किया मामला दर्ज। शिवपुरी जिले के देहात थाना क्षेत्र से बीते 48 घंटे पहले गायब हुए एक नाबालिग को पुलिस ने बरामद कर लिया है। उक्त किशोरी की पुलिस ने जब 164 के बयान कराए तो किशोरी ने बताया है कि उसके साथ एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस मामले में अपहरण की धाराओं के साथ साथ दुष्कर्म की धारा भी जोड़ दी है। जानकारी के मुताबिक बीते 48 घंटे पहले एक नाबालिग किशोरी को सिरसौ थाना क्षेत्र का एक युवक अपने साथ शादी का जैसा देखकर भगाकर ले गया था। इस मामले की शिकायत परिजनों ने देहात थाना क्षेत्र में की। पुलिस ने जब युवक के गांव में जाकर दबिश दी तो पुलिस को युवती मिल गई। इस मामले में पुलिस ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है। ये अभी दो दिन पहले एक नाबालिग लड़की घर से जाने की गुमशुदगी कायम हुई थी। इस पर से अपराध 363 IPC में पंजीबद्ध हुआ था। लड़की की तलाश दो दिन से लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही थी। पुलिस के द्वारा जयपुर तक जाकर उसको तलाश किया गया। ये अभी दो दिन पहले ही FIR हुई है। 8 तारीख को FIR हुई है इसमें, और पुलिस ने इसको कल रात को बरामद कर लिया है। ये पहले जयपुर चली गई थी लड़की, फिर बाद में लौट के सिरसौद आ गई थी। सिरसौद के पास के गांव से बरामद किया है। अभी उसके कथन हुए हैं, मेडिकल कराया गया है और उसके बाद विवेचना की जा रही है। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।